हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया और उसी वजह से आप इस वीडियो पे आए हो, तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रो से। तो भाई, आज की वीडियो होने वाली है AUTC आयुर्वेदिक निदान दिव्या कॉलेज की काउंसलिंग कब होगी, UG की काउंसलिंग कब होगी। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग कब होगी, दिल्ली स्टेट कोटा की काउंसलिंग कब होगी। उनको एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, उनकी रैंकिंग अच्छी थी, उन्होंने अपने सीट जो है AUTC के लिए सपना सब देख रखा था कि उसमें हमें सीट मिल जाएगी। झटका ये है कि AUTC की काउंसलिंग इस साल नहीं होगी। हाँ, आपने सही सुना, AUTC की काउंसलिंग इस साल नहीं होगी, और हो सकता है कि अगले 2 साल तक ना हो। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि NCISM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो इस साल एक्शन में ज्यादा आ रखा था, हर कॉलेज को जाके पर्सनली एक्शन कर रहा है, हर कॉलेज की जाके और देख रहा है क्या वो कॉलेज स्टूडेंट्स की स्टडीज के लिए, BMS या फिर MD के लिए लायक है, क्या वो एक हॉस्पिटल कहलाने के लायक है। इन सब चीजों को देखते हुए NCISM ने बहुत सारे कॉलेजेस को अप्रूवल नहीं दिया है एज अ कॉलेज। तो उसमें एक कॉलेज का नाम दिव्या का भी आता है। हालांकि आपने अगर हमारी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने दिव्या वर्सेस CBS कंपैरिजन करा है, तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने भी साफ साफ बता रखा है कि दिव्या कॉलेज की हालत कैसी है, या फिर एक नेशनल कैपिटल में एक BMS कॉलेज की हालत कैसी होनी चाहिए, जो कि CBS ही है इस समय। तो NCISM ने इसी को लेकर दिव्या कॉलेज का इस बार का इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को देकर अप्रूवल कैंसिल कर दिया है। तो जो बच्चे जो दिव्या में कॉलेज एडमिशन लेना चाहते थे, वो हताश ना हो, उनके पास अभी भी एक ऑप्शन बचा हुआ है, जो है CBTECH, दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ BMS इन दिल्ली और दिल्ली NCR। तो CBTECH का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो चुका है, जैसे कि बहुत लोगों को पता भी होगा, और अब आगे की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने पहले एडमिशन ले लिया है और जो सोच रहे थे कि हम छोड़ देंगे दिव्या में ले लेंगे एडमिशन, वो प्लीज अब ऐसा ना करें, क्योंकि आप यहां से भी और यहां से भी दोनों जगह से अपनी सीट गंवा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि कितनी गई है CBTECH की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ और किसको नेक्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में एडमिशन मिल सकता है या फिर कौन उम्मीद कर सकता है, तो अगर हम बात करें CBTECH के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की, तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो वही 52,000 रैंक, EWS के लिए 81,000 रैंक और OBC के लिए 1,37,000 रैंक, 1,37,000, SC के लिए 1,85,000 और वही ST के लिए 5,00,000 रैंक तक गई है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। इसमें अगर हम बात करें सेकेंड राउंड में किसको एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो के बाद और इस इंफॉर्मेशन के बाद मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा रैंकिंग में, हो सकता है सेकंड राउंड की कम भी चली जाए, क्योंकि जो बच्चे दिव्या को सोच के एडमिशन अपना मतलब सीट दिव्या के लिए अपनी रोक रखी थी कि हमारी रैंकिंग अच्छी है 35,000-40,000 के बीच में, हमें दिव्या में मिल ही जाएगा, वो भी अब CBTECH को अप्रोच करेंगे। तो आपको करना क्या है कि रजिस्ट्रेशन फटाफट करना है और CBTECH के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाएं हमें सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को। बाकी रही बात क्वेरीज की, तो आप कितने भी अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम हर क्वेरी का आंसर करते हैं। और फॉर मोर क्वेरी आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप भी है, उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। For more queries. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।